पटना के सैदपुर स्थित नहर के ऊपर बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू, नगर निगम के पदाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि सैदपुर नाले पर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इस नाले के जीर्णोद्धार और डेवलपमेंट का मामला कई वर्षों से फंसा हुआ था। पथ निर्माण विभाग करीब 270 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के बीच सहमति बन गई है। बहुत खुशी की बात है। आज हमारा बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर आग्रह कर रहे थे सबसे, लेकिन आज सैदपुर नाला का उद्घाटन हो गया। इस पर पटा जाएगा नाला और यहाँ पर जितना भी हम लोगों को लिए खुशी की बात है। पटना शहरवासियों के लिए जाम अक्सर लगता था, बच्चे डूब जाते थे, सबके लिए अच्छा है और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद। नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वावधान में आज जो है सैदपुर नाला का जो है आज योजना का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना का शिलान्यास किए हैं, क्या कुछ है? हमारे साथ पार्षद है, क्या कुछ है सर? देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नीतीश कुमार जी का और साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का, माननीय महापौर सीता साहू जी का और रेशमी चंद्रवंशी उप महापौर महोदया का, क्योंकि आज के कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में तमाम लोग सम्मिलित थे, इनका मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब का कि जिन्होंने सैदपुर बले खुले नाले का जीर्णोद्धार और इसको पाट कर सड़क बनाने की जो प्रक्रिया लंबे अरसे से लंबित थी, तो उसको लेकर के आज उन्होंने शिलान्यास किया है। तो शिलान्यास का मतलब हुआ कि आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। तो इसके लिए पहले तो हम अपने वार्ड की जनता की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, हम तमाम लोगों के भरोसे पे खड़े उतरे हैं और चूंकि विश्वास का दूसरा नाम नीतीश कुमार है, तो यही वजह है कि हम लोग आशान्वित भी थे कि माननीय मुख्यमंत्री जो है कि सैदपुर नहर की अगर कोई सुध लेगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। और आज उनके साथ तेजस्वी यादव जी, चूँकि वो हमारे विभागीय मंत्री भी हैं, मैं विभागीय मंत्री जी को दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये एक बड़ी पहल, चूँकि इस तरह के योजनाओं को पूरा करने में फंडिंग की दिक्कत होती है, तो ये तेजस्वी यादव जी का कुशल नेतृत्व का देन है कि इस शिलान्यास के कार्यक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि आज की तारीख में जो पैसे चाहिए थे 259.80 करोड़ का जो लागत से ये सड़क बनना है, नाला पटना है, तो इसके लिए राशि की पर्याप्त मात्रा है। तो चूंकि योजनाएं लंबित होती हैं, लटकती हैं राशि के अभाव में, चूंकि राशि उपलब्ध है, नगर विकास विभाग के पास पर्याप्त राशि है, तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द साल डेढ़ साल के अंदर में पटना शहर को एक यातायात के सुगम साधन मिलेगा। वार्ड नंबर 48 के पार्षद है और ये मौत का कुआं कहा जाता था ये सैदपुर नाला को, कितने बड़े लोगों को राहत मिली है ये जो स्थानीय जनता को? देखिए, निश्चित तौर से राहत तो मिली है, चूंकि मैं पटना नगर निगम का नीति निर्धारक समिति जो होता है मैं उसका सदस्य भी हूँ और सैदपुर नाला को लेकर के जब फाइल हमारे पास आई कि इसको NOC देना है तो हमने त्वरित रूप से बिना एक सेकेंड सोचे हुए हमने, मेयर मैडम ने कहा कि चूंकि हमारा सपना था चुनावी चुनाव के दिनों में माननीय महापौर महोदया ने वादा किया था पटना शहर के लोगों से कि सैदपुर नहर को पाट करके हम सड़क बनाएंगे, तो आज वो सपना साकार हुआ है और हम तमाम लोग बहुत आशान्वित हैं, बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के। कम से कम किसी माँ का बेटा डूब करके नहीं मरेगा, किसी बेटे का बाप डूब करके नहीं मरेगा, कोई महिला नहीं मरेगी डूब करके, कोई निरीह प्राणी जो जानवर होता है वो डूब करके नहीं मरेगा। आपको कितनी बड़ी खुशी हुई है, यहाँ के पार्षद है और इतनी बड़ी सौगात, खुशी तो इतनी बड़ी सौगात मिली है सैदपुर नाला को शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, कितनी बड़ी सौगात आपको मिली? बहुत बड़ी खुशी। देखिए, मैं अपनी चुनावी वादों में, आपने देखा होगा मेरा जो घोषणा पत्र था, तो मैंने पहला वादा मैंने कहा था यहाँ के लोगों को कि मेरा जो 5 साल का कार्यकाल था वहाँ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के था, उसको मैंने उस कार्यकाल में पूरा किया। मैंने पहला वादा किया था कि मेरी पहली और अंतिम लड़ाई जो होगी इस कार्यकाल का वो सैदपुर नहर को पाट करके सड़क बनाने का होगा और इस भरोसे पे मैं खड़ा उतरा हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। कम से कम मेरे वार्ड की जनता कम से कम हमको इस मामले में निकम्मा नहीं कहेगा। आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने करके DPCM साहब ने करके मेरी लाज बचाई है और यहाँ के तमाम लोगों का मनोबल ऊंचा किया, उनका विश्वास बढ़ा है। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्या लगता है? हम आशा करते हैं कि 1 से 1.5 साल में बनकर ये रेडी हो जाएगा।
लोगों को सौगात मिलेगी। अरे सौगात मिल गई, सौगात मिल गई। अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डिप्टी सीएम साहब, मेयर मैडम, डिप्टी मेयर मैडम, पूरे सरकार के आला अधिकारी आ करके, तू साक्षी है ना, तो आज इतिहास रचा गया है। वार्ड संख्या 48 में इतिहास रचा गया है। एक बड़ा सही तौर पर वार्ड नंबर 48 के लिए ये इतिहास रचा गया है। सतपुर नहर को जो है पाटा जाएगा और यहाँ पर जो है सड़क का निर्माण होगा नाला पर, और लोगों को जो स्थानीय लोग हैं उनको साफ तौर पर राहत मिलने जा रही है। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज जो नाला का उद्घाटन किया है, जीर्णोद्धार किया है, इसको लेकर स्थानीय लोगों में खुशी है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कितनी खुशी है यहाँ पर। आप लोग हैं बहुत खुशी की बात है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर होती रहती है, तो इसके बनने के बाद ये दुर्घटना काफी कम हो जाएगी, हम लोगों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है आगे चल के। साफ तौर पर स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों को काफी लाभ मिलने वाली है आने वाले दिनों में। पर जिस तरह से मौत का कुआं सैदपुर नहर को कहा जाता था, वो अब लोगों के लिए एक अस्थायी निदान बन जाएगा। पटना से रफ्तार मीडिया के लिए अमित वर्मा।